किसका फोन आ रहा है उसी? किसका फोन आ रहा है? किसका फोन आ रहा बेटा? तेरे पापा का आ रहा? कौन से का? अरविंद का? बात कर ले। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो दोपहर का टाइम हो चुका है और देखिए यहाँ पर मैंने अभी नंदिनी को नहलाया था और कपड़े से मैंने गर्म पहना दिए हैं, एक शर्ट और एक इनर और ये पजामी और ये डायपर लगा दिया है। और देखिए नंदिनी को, नंद सबका बंधु। और मैं सोच रही हूँ घर में जो है अंदर कमरे में ठंड लगती है तो इसे सॉक्स पहना दूं और देखिए कोई भी चीज हो तो उसे पकड़ती है, वो पकड़ ली सॉक्स। अब इसके लिए जो है मेरे भी रबड़ के जो टॉयज आते हैं ना वो लेकर आऊंगी, किसी दिन जिस दिन भी मार्केट जाऊंगी उस दिन लेकर आऊंगी, उससे खेला करेगी ये। अभी थोड़ा थोड़ा सा बैठने भी लगी है, अभी से मैं जर्सी पहनाऊंगी इसे वे वाली जो उधर रखी है क्योंकि अंदर रूम में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है नॉर्मल भी। तो चलिए जर्सी पहना देते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और देखिए कैसे खड़ी बैठ कर देख रही है ये, देखिए हेलो बोलो। राम राम जी, राम राम जी, नंद राम राम जी। और देखिए सुबह से दोपहर तक के यानी कि 12:30 बजे तक के हमारे सारे काम निपट चुके हैं और आज कोई मुझसे मिलने आने वाला है तो अभी मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है। हमने आज मावा निकाला था, कल सकट है तो सकट को हम लोग जो है गाजर का हलवा जरूर बनाते हैं, व्रत भी रखते हैं सकट का। और देखिए ये व्रत जो है सभी माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, सकट का व्रत भी, गणेश जी महाराज की पूजा होती है उसमें। तो देखिए अभी मैंने थोड़े से मावे के जो है पेड़े बनाए हैं और गोभी काट दी है, उसके मैं बनाऊंगी पकौड़े। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि मैं गोभी के पकौड़े कैसे बनाती हूँ। दो तरीके से बनते हैं, एक तो गोभी को उबाल भी सकते हैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं उबालना है, हल्का उबालना है, लेकिन मैं कच्ची गोभी के ही पकौड़े बनाऊंगी और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गेस्ट थोड़ी देर में आने वाले हैं, चलिए आपको मिलवाएंगे। और अभी हम नंदिनी का ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा सा खिला लेते हैं उसे। ये देखो जी चुबाबू को। और चलो भाई शॉक्स पहनो और फिर जर्सी पहनो और ये फोन की तरफ भी ध्यान रखेगी कि मम्मी कहाँ बात कर रही है, ये देखिए कितना ध्यान रख रही है। ये हो गई शोक्ष नंदू की और अब बनाएंगे जर्सी। आहा ऑन पे ध्यान रहेगा इसका, और मैं बाहर को चली गई तो एकदम रोने लगी। शहरों में तो ज्यादातर ही हुई नाश्ता है, कहाँ है नंदिनी? ले कहाँ है नंदिनी? देखियो भाई कहाँ है सोना है बाबू, छोटा सा पिया कर लो, काशी है पकड़िए, देख देख नंदिनी। राम राम जी, राम राम जी, हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? तो देखिए मेहमान हमारे आ चुके हैं, थोड़ी देर में मिलवाएंगे। और यहाँ पर हमने कर दी है ये क्या कर रहे हैं आप, इतना सारा तो मीठा खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने गोभी काट ली थी पहले ही, हाँ। बेसन का घोल तैयार कर लिया है, तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, उधर हमारी चाय भी बन चुकी है, हाँ। ये देखिए। और अभी प्रीति जो है बात कर रही है और ये हमारे पेड़े तैयार हैं, देखिए ये हमने बनाए थे मोटे मोटे बना रखे।
ठीक है जी, तो अब बनाएंगे बस। और बेसन का घोल मैंने ऐसे तैयार किया है जैसे हर बार मैं बेसन के पकौड़े बनाती हूँ। तो ये देखिए बेसन में ऐसे डाल के और ये डाल दिया है गोभी, ये बन जाएंगे पकौड़े, गोभी के पकौड़े। कितने दिनों बाद बनने ना हमारे यहाँ तो? पिछले साल ही होली पे बने थे, पिछले साल। हाँ होली पे बनाए थे मैंने, फिर बाद नहीं बनाए। ठीक बन रहा ना गोल? तो नमक वो तो पता नहीं नमक का। तो पकौड़े बनाने का सबसे सिंपल तरीका देखिए। तो देखिए गेस्ट हमारे आ चुके हैं, ये रहे और नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो मिलिए और मिलते रहिए, एक साल बाद मिले हैं, पूरे एक साल बाद। पिछले साल आए थे ये और ये भी बैठे हैं यहाँ पर, गुड्डू के पापा भी। चलिए नाश्ता कर लेते हैं और बाद में मिलवाएंगे थोड़ी देर बाद फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम दोनों जो हैं यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं, इनके हस्बैंड जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा चलिए नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, चलिए ऊपर तक घूमकर आते हैं। और हमारे कपड़े सूखे हुए पड़े हुए थे हवा में, ये बोल रही है छत पर आकर कि यहाँ पर तो बहुत तेज हवा लग रही है। मैंने कहा बाहर निकल कर और सबसे ऊपर छत पर चढ़कर पता चलता है हवा कितनी तेज है। तो कपड़े तो मैंने उतार कर रख दिए, मैंने सोचा यहीं पर बैठकर बातें कर लेते हैं नीचे। इनका बेटा भी आया हुआ है साथ में, वो खेल रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसा घुल मिल जाता है जैसे अपने घर में ही हो। हाँ साइकिल चला रहा है, गुड्डू चिंकी के पास बैठकर टीवी देखने लगा था। तो आकर आते ही उसका तो मन लग जाता है यहाँ पर आते ही, उदित का। तो ये फिर से यूट्यूब पर आई हैं उदित मोम लाइफ स्टाइल के नाम से। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। पहले भी किया है आप सब ने और पूछा भी है इन्हें कितनी बार कि नीतू जी कहाँ है, वीडियो क्यों नहीं डालती है। तो इन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो जैसे इनको सपोर्ट किया है ना ऐसे ही मुझे करना प्लीज, जैसे आप लोगों ने पहले किया था। तो ऐसे ही बार करना। और आज एक साल बाद मिले हैं हम दोनों। हाँ। और यूट्यूब की ये दोस्ती है, यूट्यूब से शुरू हुई है। जब मेरे इस चैनल पर यूपी ब्लॉगर पर 20,000 थे फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी, तो तब से हम दोनों की जान पहचान बढ़ी। पहले पंजाब में थी उस टाइम पर, पंजाब से आई थी, लेकिन अभी मेरठ में शिफ्ट हो गए हैं। और भैया का जो है ट्रांसफ़र हो चुका है इनके हस्बैंड का। तो अभी ये आज अपने ससुराल में आए थे किसी काम के लिए, नज़दीकी इनकी ससुराल है, यहाँ पर ही रहते हैं अभी मेरठ में है। तो मैंने कहा चलिए आ जाइए, जब यहाँ से निकल रहे पास से ही तो आ जाइए। तो मैंने इन्हें बुला लिया है और आपको भी मिलवा दिया है। आज एक साल बाद मैं भी मिली हूँ और आप भी मिल लीजिए और हम दोनों बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, फिर चलेंगे नीचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उदित मोम लाइफ स्टाइल के नाम से है। और जैसे प्यार इनके साथ है ऐसा ही प्लीज बनाए रखना और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, आपसे ही सपोर्ट मिलेगा। आप तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, हम कर लेते हैं आपस में बातें। जब कितने दिन बाद मिलते हैं, सुबह से तो मैं वेट कर रही थी, ये भी काम निपटा वो भी निपटा, फिर बैठकर बातें करेंगे। फटाफट से सारे काम निपटाए हमने और अब यहाँ पर बैठे हैं ऊपर वाले रूम में, देखिए। और बच्चे सब नीचे हैं और बाकी सब नीचे हैं, हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, चलेंगे थोड़ी देर बाद नीचे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेहमान तो जा चुके हैं और अब हम अपने रूटीन पर लग जाते हैं, वही रूटीन। काफ़ी देर से बैठे उठे थे उनके साथ में, चाय नाश्ता हुआ। तो चलिए बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, ये काम हमारा निपट चुका है। अब झाड़ू लगाएंगे, अपने इवनिंग के रूटीन पर लग जाएंगे। और बस यही था आज का मेरा छोटा सा रूटीन और वीडियो मिलवा दिया है आपको अपने गेस्ट से भी। काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय सबको, मेरी राम राम।